question given is if the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 are real and distinct, then which of the following options is correct? तो हमें given है ax square plus bx plus c equals to 0. अब x के दो roots होंगे, that is minus b plus minus of under root b square minus 4ac upon 2 up 2a. अब b square minus 4ac अगर 0 होता तो x के सिर्फ a की root होता minus b by 2a minus b by 2a, मतलब real and equal. But हमें given है it is real and distinct, that means b square minus 4ac is greater than 0. तो x के दो roots क्या होंगे, x equals to minus b plus under root of b square minus 4ac by 2 and एक होगा x equals to minus b minus under root b square minus 4ac by 2. 2a. अब ये तो प्लस है, मतलब ये जो क्वांटिटी होगी ये होगा x greater than minus b by 2a, क्योंकि हमने कुछ ऐड किया इसमें और इसमें हम और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब x is less than minus b by 2a. तो हमारे पास दो रूट्स होगा, एक रूट होगा जैसे एक है x is less than minus b by 2a और एक है x is greater than minus b by 2a. अगर हम हमारा ट्रिक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं और इसको हमने लिया माइनस बी बाई टू ए, तो एक रूट होगा इधर और एक रूट होगा इधर. तो दैट मीन्स अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा हमारा, दैट इज माइनस बी बाई टू ए इज बिटवीन द टू रूट्स. तो हमारे आंसर क्या, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट्स एक्सीड्स माइनस बी बाई टू ए, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक रूट है दैट इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू ए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी.